गुड आफ्टरनून सर। Yesterday, we were going with binary to gray code converter. We will again, are you able to see the screen? Hello. स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है। और आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर सर हम लोग का फुल एडर यूजिंग नैंड गेट बाकी था सर, आपने बोला था आज करके करेंगे। एक हम लोग हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। ठीक है, तो उसके अंदर हमें मैं कल यही बता रहा था आप लोगों को कि बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर में हम लोग करते क्या है, तो ये मैंने थ्योरी में आपको बताया हुआ है कि उसके अंदर क्या होता है कि जो बाइनरी कोड रहते हैं वो पहले लिख लेते हैं हम लोग और उसका फिर हम लोग ग्रे कोड कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, तो डिफरेंस जो आता है ना, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो हेलो। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। तो ये जो तो यहाँ पे 000 बाइनरी में है उसका ग्रे में भी सेम है, इधर 0001 बाइनरी में उसका ग्रे में भी सेम है, 0010 बाइनरी में है उसका ग्रे में 0011 हो जाता है, और 0011 बाइनरी में उसका 0010 हो जाता है। तो
इस हिसाब से फिर हमें करना क्या है, इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद के मैप हमें करना है। के मैप में क्या करना पड़ेगा, G3 के लिए हमें एक इक्वेशन निकालनी है, G2 के लिए इक्वेशन निकालनी है, G1 के लिए और G0 के लिए। तो जहां जहां 1-1 है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे 1 है G3 का कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो किस कॉम्बिनेशन के लिए 1 है, तो 1000 इसके लिए 1 है, बाद में 1001 फिर इसके लिए 1 है, ऐसे करके करते सबके लिए 1 है वो। तो हम लोगों ने फिर इसका इक्वेशन भी निकाला था, G3 के लिए क्या इक्वेशन निकाला था, G3 इज इक्वल टू B3, बाद में G2 इज इक्वल टू B3 कॉम्प्लीमेंट B2 प्लस B3 B2 कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू B3 XOR B2 एंड G1 इज इक्वल टू B2 B1 कॉम्प्लीमेंट प्लस B2 कॉम्प्लीमेंट B1, सो B2 XOR B1। G0 is equal to B1 complement B0 plus B1 B0 complement. So that is B1 XOR B0. So सारे जो output है उसके equations मिल गया, हमें अभी क्या करना होता है, circuit diagram draw करना होता है। So this is the circuit diagram of binary to gray code. ये हम इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, 3 XOR ले लेंगे और उसके बाद हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो ले लेते हैं हम लोग 3 XOR। एक तीन ठीक है, बाद में सर सर ये सिमुलेटर ओपन ही नहीं हो रहा सर, रुको ना करता हूँ वो भी देखता हूँ ना, मैं आपको बोलूंगा शेयर करने के लिए, रुको आप पहले मेरे को करने दो, ओपन होगा ना। हाँ ओके सर, आधा घंटा, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कॉलेज में हूँ, मैं बाहर में लैपटॉप लेके बैठा हुआ हूँ, बैटरी फुल चार्ज की हुई है, देखते हैं कितना देर चलती है वो, अगर चल गई एक घंटे आधे घंटे में खत्म करता हूँ मेरा, उसके बाद आपको बोलता हूँ मैं। तो ये चार हो गया, अभी करना क्या है, कनेक्शंस कैसे दिए हुए, रुक जाओ देखने दो मेरे को पहले कनेक्शंस कैसे दिए हुए हैं। B1 B0 B2 B1, पहले G0 को ऊपर वाले को कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। G2 कैसे किया है, तो स्टार्टिंग के दो से कनेक्ट किया हुआ है, ऊपर वाले को स्टार्टिंग के दो से कनेक्ट किया हुआ है, ये है, बाद में इसको, बाद में इसको इसको फिर इसको इसको, तो ये ऐसा एज्यूम कर लेंगे। अब सर्चिंग की कुछ ऐसा है जिसपे हम लोग इसको लिख सकते हैं, आई वाज ट्राइंग टू सर्च दैट, देखते हैं बाद में मिलता है तो करेंगे हम लोग। ये क्या है, B0 B1 B2 B3, सो B1 ये, बाद में ये, फिर ये, और लास्ट में फिर खाली एक है G3।
ठीक है, तो अभी यहां से ये देख लो, जीरो 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 दिया है तो जीरो 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 आ रहा है, जीरो जीरो वन जीरो दिया है तो वन वन जीरो जीरो आ रहा है, ठीक है, और जीरो जीरो वन वन दूंगा तो जीरो जीरो वन जीरो आना चाहिए, जीरो जीरो वन जीरो आना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा जा रहा है, देखो जी थ्री जी टू जी वन जी नॉट, ठीक है, जी थ्री जी टू जी वन जी नॉट नीचे से जा रहा है वो, जी थ्री जी टू जी वन जी नॉट, दिस इज बी थ्री बी टू बी वन बी नॉट, तो वैसे आपको आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको चेक करना हो तो कैसे करेंगे, तो जो ट्रुथ टेबल था उससे चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे चेक, देखो ट्रुथ टेबल जो था हमारा, आप 14 वाला ले लेते हैं, 14 वाला क्या है हमारा, वन 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 जीरो, वन 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 जीरो क्या है, तो बी थ्री बी टू बी वन बी नॉट, और उसका फिर ग्रे क्या है, तो 1001, तो मैं इनपुट सेट करता हूं, आउटपुट देखते हैं वही आ रहा है क्या, हम लोग अभी ये वाला चेक करेंगे, तो क्या है 1110, तो यहाँ पे मैंने वन किया, यहाँ पे वन किया, यहाँ वन किया और यहाँ पे जीरो किया, तो अभी आउटपुट क्या आ रहा है, 1001, नीचे से चेक करना है 1001, तो क्या आएगा 14 के ऊपर वन, ये वन है, ये 001, सो इसका इसका ग्रे कोड जो है 1110 का 1001 आता है, 1001, तो 1110 बाइनरी में जो है उसका ग्रे क्या आएगा, 1001 आएगा, इस वजह से अब इस वजह से कोई भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया, ये क्या किया, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर का किया, ये क्लियर है आप लोगों को, ऑफलाइन सेव करते हैं ताकि इधर सेव रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन भी सेव करना कर सकते हैं। अभी मैं न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, ये समझ में आया आप लोगों को, हेलो ये समझ में आया क्या, यस सर, हाँ। अभी इस प्रोजेक्ट का नाम जो है दूसरे वाले का, ये मैं क्या करता हूँ, फुल एडर यूजिंग नैंड गेट, यूजिंग नैंड गेट, फुल एडर यूजिंग नैंड गेट, इसमें सम का सम के लिए रखा हुआ है, वैसे ही ऊपर वाला जो सर्किट है वो कैरी के लिए, पहले हम लोग सम का इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो ये जो है इसमें तीन नैंड गेट, बाद में चार नैंड गेट और फिर एक नैंड गेट, तो इस सीक्वेंस में हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। तो तीन नैंड गेट,
ठीक है, तो ये सर्किट का मैं अभी डायरेक्टली मैं एक बार देख लिया मैंने, अभी मैं डायरेक्टली मैंने उसका फोटो निकाला, डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो तीन इनपुट है, ए बी सी, अभी करना क्या है, एक्चुअली इश्यू इसमें ऐसा है कि यहाँ पे जो नैंड गेट लिए हुए हैं, ये सर्किट है आप देख सकते हो, यहाँ पे तीन इनपुट नैंड गेट है, यहाँ पे भी तीन इनपुट है, और हमारे पास जो यहाँ पे अवेलेबल है वो दो इनपुट नैंड गेट है, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा सा सोच के रखता हूँ मैं, या तो सर्किट दूसरा बनाता हूँ मैं इसका, क्योंकि इसका सर्किट बनाना पड़ेगा, या इसका दूसरा क्या सोल्यूशन हो सकता है वो मैं देखता हूँ, मैं फिर बताता हूँ मैं आपको। मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें तीन ऐसे करके है, क्योंकि इसको तीन इनपुट है, तीन इनपुट है, हमारे पास यहाँ पे जो है दो इनपुट वाले ही नैंड गेट है, तो ये हम लोग देखते हैं उसके बाद में। अभी आप लोग में से कितने लोग सिस्टम में बैठे हुए बताओ मेरे को, हाउ मेनी ऑफ योर सिस्टम में? गणेश वसेकर, मेंशन दैट इन चैट। प्लीज मेंशन ऑन चैट सो दैट आई विल अंडरस्टैंड। आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस सर, कोई भी नहीं है क्या सिस्टम के ऊपर अभी? सर अभी टेक्स्ट क्या सर? Only
only 4 students. 4 or 5 students are on system. One more. नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, मतलब वो है सेकंड एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट जो है वो है बीसीडी टू एक्स एस थ्री कोड कन्वर्टर. बीसीडी टू एक्स एस थ्री कोड कन्वर्टर. तो भावेश आपका कैमरा बंद करो. बीसीडी से एक्सेस थ्री का देख लेते हैं हम लोग. मैं बताता हूँ सिस्टम लोग 5-6 लोगों के पास ही है. नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग सिस्टम लेके आओगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगा पूरा. हेलो सर, ऑडियो सर, ऑडियो लैग हो रहा है. सर ऑडियो, अब फोन आ गया था. अभी देखो अभी अभी आ रहा है क्या बराबर. सर अभी भी थोड़ा डिस्टरबेंस है सर. यार मैं बताऊं क्या, मैं अगर घर से लेता हूं ना आपका तो मेरे घर पे नेटवर्क अच्छा रहता है. अभी मैं कॉलेज से, इस वीक से कॉलेज कंपलसरी किया है हमारा. तो कल मैंने क्या किया था, मैं जहाँ, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वहां पे नेटवर्क आता नहीं है. तो मेरे लैब में कोने में जाके मैंने कल पूरा सिस्टम लगाया लैपटॉप और फिर उसके बाद वहां पे लिया. तो वहां पे भी बीच में नेटवर्क चला गया था लास्ट में. फिर मैं आज क्या कर रहा हूँ मालूम है क्या, आपके जो कॉलेज का जो बाहर का जो कॉरिडोर है वहां पे मैंने स्टूल लगाया हुआ है और वहां पे चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है. तो मैंने सुबह दोपहर को पूरा फुल लैपटॉप चार्ज करके अभी मैं खाली अकेला स्टाफ कोने में बैठ के मैं प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ आपको. मैं बाहर में कॉलेज के बाहर में बैठ के मैं सिखा रहा हूँ मैं आपको, मालूम है क्या. तो यहाँ पे नेटवर्क आ रहा था, अभी मैंने लेक्चर लिया है यहाँ पे. हाँ अभी दानिश तुम कुछ सजेशन दे रहे थे, बोलो. थैंक यू सर, थैंक यू. नहीं सजेशन नहीं था ये तो थैंक यू हो गया ना. क्या बोल रहे थे बोलो. हाँ सर मैं थैंक यू ही बोल रहा था सर. क्या बोल रहे थे, मुझे लगा कुछ आपके पास ऑप्शन. इतना आप इतना एफर्ट्स नहीं, एफर्ट्स का नहीं है बट एक्चुअली क्या है कि एक वीक इशू रहने वाला है. क्योंकि कैसा होगा, अभी हम लोग को घर से लेने की आदत थी ना आपके लेक्चर्स, तो हम लोग उसी के यूज्ड टू हो गए थे. अभी एक वीक में क्या हो जाएगा कि 10 जगह से हम लोग लेंगे ना तो समझ में भी आएगा कि यहाँ का नेटवर्क अच्छा है, यहाँ पे ये चीज हो सकती है. तब तक कॉलेज भी कुछ प्रोवाइड कर देगा हमको, है ना. बराबर सर. सर कॉलेज आपको आवाज कट रही है. सॉरी, हमारा हर रोज, आपको हर रोज आना पड़ता है कॉलेज में सर. कंपलसरी किया अभी मंडे, कल से कंपलसरी किया है. पहले 3 दिन था वीक में. अरे मतलब हम लोग का भी शुरू होने के सर चांसेस है लगभग अभी अगले महीने से हो सकता है आपके. चलो लेट्स होप, बहुत टाइम हो गया कॉलेज को देखे. ठीक है, अभी आवाज आ रही है. बोलो. हाँ सर अभी आ रही है. सर आपने जो असाइनमेंट दिया था वो जिसमें आप हमको सारे गेट्स इम्प्लीमेंट करना था,
सर उसका अभी तक मार्किंग नहीं हुआ है और कल लास्ट डेट है सबमिशन का, रात में कर दूंगा। ओके सर, उसका मार्किंग का कोई संबंध नहीं है, मार्किंग मतलब आपके तरफ से अपलोड जो है वो टाइम पे होना चाहिए, मार्किंग तो कभी भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा सर, ठीक है सर, हो गया सर, वैसे भी ड्यू डेट कल है सर। आपका जो है ना वो आपके लिए इंटीमेशन, मेरे लिए नहीं इंटीमेशन, ठीक है, फिर बता दिया तो मैं चेक कर लूंगा, वैसा कोई इशू नहीं है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। बीसीडी कोड है और ये XS3 कोड है। 10 मिनट में टाइम खत्म होगा, वापस से ज्वाइन करना है। तो करना क्या है, बीसीडी मतलब जो बाइनरी रहता है वही बीसीडी है, उसका एक्सेस थ्री क्या करना है, तो बाइनरी के हर इसके अंदर 3 ऐड करना है आपको, मतलब क्या 000 है, 0000 है, इसमें 3 मतलब 0011 ऐड करना है, तो वो आ जाएगा 0011। तो ये जो बीसीडी है 0000 उसका XS3 क्या होगा, तो 0011 हो जाएगा। अभी 0001 जो है इसमें अगर 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाना चाहिए, 4 मतलब 0100, तो उसका XS3 क्या हो जाएगा 0100। बाद में बीसीडी जो है 0010 है उसका एक्सेस थ्री क्या है 0101 है, क्यों, क्योंकि ये 2 इंडिकेट करता है ना, 0010 क्या इंडिकेट करता है 2, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो वैसे ही आप कोई भी ले लो, 1001 लो, इसमें 3 ऐड करो 0011, तो क्या हो जाएगा 1100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बीसीडी टू एक्सेस थ्री कोड कन्वर्टर है। अभी फिर से इसकी फोटो 2 बार आ गई है। अभी करना क्या है, हमें इसके सर्किट डिजाइन करनी है, तो सर्किट डिजाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका इसका आउटपुट का इक्वेशन, इस आउटपुट का इक्वेशन, इस आउटपुट का इक्वेशन और इस आउटपुट का इक्वेशन, मतलब X3 X2 X1 S0 का हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इक्वेशन, के मैप से, तो के मैप से निकाला, तो X3 क्या हो जाएगा हमारा, X3 इज B3 प्लस B2 B1 प्लस B2 B0 और X2 क्या हो जाएगा, X2 हमारा हो जाएगा ये, X1 क्या हो जाएगा ये, X3 क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो उसके हिसाब से X0 B0 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो सर्किट बनाएंगे तो इस टाइप की सर्किट बनेगी, ये सर्किट हमें इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये सर्किट बनाने में कुछ भी नहीं लगेगा, हर को 2-2 इनपुट है। मुझे ये बताओ, ये एंड गेट है, इसको 3 इनपुट है, तो 3 इनपुट कैसे दे सकते हैं एंड गेट को, बताओ मेरे को। सपोज अगर हमारे पास 2 एंड गेट है, सपोज मेरा एक एंड गेट ऐसी पूछ रहा हूं मैं, इसको मैंने ए बी इनपुट दिया, और फिर तीसरा एक और, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल है 2 इनपुट वाले एंड गेट अवेलेबल है, अगर मैंने ऐसा किया सी, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ए बी सी आ रहा है, यस और नो, यस सर, यस सर। तो अगर हमारे पास 2 इनपुट वाले एंड गेट है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं जो कि 3 इनपुट एंड गेट जैसा ही काम करेगा, खाली हमारा कंपोनेंट बढ़ जाता है बस। तो ए बी सी जो है यहाँ पे हम लोग दे देंगे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, तो कहने का मतलब ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे 2 एंड गेट दे देने के, ठीक है।
बाकी सभी में दो इनपुट वाले ही यूज किए हुए हैं। तो अभी आपको करना क्या है, अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे दो कैसे देंगे हम लोग, तो कुछ नहीं करने का है यहाँ पे, यहाँ से एक ऐसा वायर निकालने का एंड यहाँ से एक वायर निकालने का, उसको एक एंड गेट से देने का, बाद में यहां से एक वायर निकालने का, उसको दूसरे एंड गेट से देने का, तो फाइनली हमारे को ये आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आउटपुट क्या रहने वाला है, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या रहेगा, सो इट विल बी बी टू बी वन कॉम्प्लीमेंट बी नॉट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया क्या? तो ये आपका इनपुट जो देंगे हम लोग किसमें देंगे इनपुट, ये बीसीडी में देने वाले हैं, और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो किसमें मिलेगा, हमें एक्सएस थ्री में मिलेगा। ये एक्स नॉट कॉम्प्लीमेंट है, एक्स नॉट है सॉरी। तो ऐसे देखने का आपने इस सीक्वेंस में, और चेक कैसे करेंगे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर हम लोगों ने इनपुट दिया 1 0 0 0, तो उसमें तीन ऐड कर लेने के, तो इस बीसीडी का ग्रे कोड क्या मिलना चाहिए हमें, तीन ऐड किया तो 1 0 1 1। समझा क्या? इस सर्किट का फोटो निकाल लो आप लोग, और ये मुझे नेक्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करके आपने दिखाना है। जिसको हो जाएगा मैं इसको जो है ना अपलोड भी कर देता हूँ गूगल क्लासरूम पे, वैसे आप फोटो निकाल लो इसका अगर बाय चांस मैं भूल गया तो। अभी वापस से लॉगिन करना है ताकि आप लोगों को इश्यूज क्या हो रहे हैं इसको वो देखने के लिए, एंड प्लस आपकी अटेंडेंस मार्क करने के लिए। 3 मिनट का टाइम और है, उसके बाद वापस से आप लोगों ने लॉगिन करना है। फोटो निकाल लिया इसका? यस सर। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट स्क्रीन ले लिया, इस प्रिंट स्क्रीन को मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देता हूँ। ये कुछ बच्चों ने जो सबमिट किया है वो दिख रहा है यहाँ पे मेरे को, मैं आपके सामने भी चेक कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा ठीक है, आज रात में बैठ के करता हूँ मैं, आधा घंटा लगेगा मेरे को क्लास वर्क। बीसीडी टू एक्सएस थ्री, ठीक है, दिस इज ऑफ 25 मार्क्स, ड्यू डेट संडे का डाल देता हूं मैं, टाइम का नहीं डाला है, संडे डाला है खाली।
ठीक है। दानिश वो जो मैं जिस नोट से पढ़ाता हूँ आपको वो नोट आपने भेज दिया बच्चों को? यस सर, हर एक को। हाँ, ये खाली आप ये गूगल क्लासरूम में सभी के सभी ज्वाइन हो जाओ, ये कोड है गूगल क्लासरूम का। अभी वापस से ज्वाइन हो, मैं अटेंडेंस देता हूँ आपका मैं, और उसके बाद थोड़ा सा आपका डिस्कशन भी करना है, क्या है किसको क्या इश्यूज आ रहे हैं।